गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की थंबनेल और टॉपिक देखकर तब समझिएगा कि वीडियो किस तरह की होने वाली है। यस, इट्स अ 5 मिनट क्राफ्ट्स वायरल टेस्टिंग हैक्स जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट? 5 मिनट क्राफ्ट्स हैक काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और मैंने सोचा कि वो सारे हैक्स को ट्राई करूँ, और जब मैं ट्राई कर रही हूँ तो आप लोगों से क्यों ना शेयर करूँ। तो यस, आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो मेरे पास कुछ आज वायरल मेकअप हैक्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। तो मुझे बस जल्दी हो रहा है स्टार्ट करने का, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको आगे भी इसका कुछ सीरीज़ और देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको और क्या देखना है। आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो उनका कुछ वीडियोस, जिससे मैं वो सब टेस्ट आपके लिए करके आपको दिखाऊं। तो मैं इंस्टा हैंडल कहीं भी अपने स्क्रीन के कोने में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? क्रिसमस। फर्स्ट हैक है, इट्स अ मस्कारा हैक। अगर आपका मस्कारा ड्राई हो गया तो ये हैक ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। मेरा ये वाला मस्कारा ड्राई हो गया था, तो इसमें मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं है, बट मेरे पास कैस्टर ऑयल है जो कि हेयर के लिए, आई लैशेज हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कैस्टर ऑयल। शेव कर लिया है मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैंने लैशेस पे थोड़ा मस्कारा लगा हुआ, तो मैं थोड़ा और ट्राई करके देखती हूँ कि लैशेस पे ये काम करता है कि नहीं। लैशेस काफ़ी ज़्यादा पहले से फुलर लग रहा है, आप देख सकते हो। यस, इट्स वर्क। ये हैक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। इस हैक को मैं 10 में 9 देना चाहती हूँ। पता नहीं हाथों में क्यों दिखाई नहीं दिया, उसकी लड़की के हाथों में तो आ गया था, मेरे हाथ में नहीं है, बट जहाँ आना चाहिए वहाँ तो आया ना। सी, सो ये हैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैक। गाइज, जो नेक्स्ट हैक है वो एक फेक फ्रिकल्स हैक है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक आई शैडो पैलेट। मैं यहाँ पे एक मेरा पुराना जो आई शैडो पैलेट है वो ले रही हूँ। कुछ ऐसा ब्रश ले सकते हो जो स्क्रैच करने के लिए हो। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा एक डार्क ब्राउन शेड। तो मैं सोच रही हूँ मेरा स्किन टोन थोड़ा डार्कर लेना पड़ेगा, तो मैं ये ले रही हूँ, ये वाला शेड। ये हैक मेरे लिए काम नहीं किया, मुझे पता नहीं, मेरे से नहीं हुआ कि ये हैक ऐसा ही कुछ है, मुझे पता नहीं। बट उन्होंने जैसे दिखाया था मैंने वैसे ही ट्राई किया। इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके, इस पर डस्ट निकल के, फिर ब्रश से ऐसे टैप टैप करके देना होगा। बट एज यू कैन सी, कोई फ्रिकल्स नहीं आया, उल्टा इधर उधर चला गया आई शैडो का फ्लेक्स। आई डोंट लाइक दिस। मुझे पता नहीं आप लोगों को, अगर आप ट्राई करें तो आपको होगा कि नहीं। मैं इसको 10 में 3 देना चाहूँगी, इट्स सो वियर्ड, मैं इसको 0 ही ना दूँ। नेक्स्ट हैक इज़ अबाउट नेल्स। तो वहाँ पे दिखाया है कि आप घर पे ही नेल पेंट कर सकते हो, नेल आर्ट कर सकते हो एक्चुअली। तो उन्होंने किया लिक्विड लाइनर से नेल्स पे। तो मैंने भी वाइट नेल पॉलिश कर लिया है। अब चलिए देखते हैं, मेरे पास ये आईलाइनर है। So let's start. So guys, मेरा नेल सूख गया है, तो मैं जो टेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। तो ये मेरे पास पानी है अपना अपने नेल्स के अंदर। तो
बढ़ता है, आप देख सकते हो मैंने ऐसे रब किया अपने नेल्स पे, फिर भी आईलाइनर नहीं निकला। तो आप सोच सकते हो जब आप वो जो ट्रांसपेरेंट एनामल्स होता है, नेल एनामल्स, उसको अगर इसके ऊपर लगा लोगे तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक नेल मैनिक्योर हो जाएगा। दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव। मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा था कि आईलाइनर निकल जाएगा पानी पड़ने से, बट ये नहीं निकला। तो एक काम आप कर सकते हो, इसके ऊपर नॉर्मल जो एनामल्स होते हैं वो आप लगा लीजिए और ये आपके नेल सेट हो जाएंगे। वाओ, दिस वर्क्स। सो मैं इस हैक को देना चाहूँगी 9 out of 10, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं जब भी नेल पॉलिश लगाऊंगी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बना लूँगी। सो गाइस, जो नेक्स्ट हैक है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। सो इट्स लिटिल लिप्स, एंड आप जैसे देखे वो लड़की ने कुछ पहले काजल से लिप को आउटलाइन कर लिया और फिर रेड लिपस्टिक लगाया। आई डोंट नो कि ये कौन सा फैशन है और कैसा लगेगा, बट ये ट्राई करने में क्या होता है, तो ट्राई करके देखते हैं। मेरे पास काजल है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें वेस्ट करना अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो। कुछ लग रहा है अगर आप ऐसे निकलोगे ना बाहर तो सब आपको देख के हंसेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ जोकर। अनलेस आप जब तक कोई जोकर कंपटीशन में नहीं जाते तब तक आप ये हैक बिल्कुल यूज मत करो। इट्स अ रियली बिग फेल। मुझे लगा ही था कि ऐसे लिपस्टिक कौन लगाते हैं भाई ब्लैक कलर के काजल के ऊपर, इट्स सो बैड। हाँ, अगर आप कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन या फिर कोई घोस्ट मेकअप लुक ट्राई करना चाहते हो तब आप कर सकते हो, बट इधर ऐसे फैशन ऐसे ड्रेस पहन के ऐसे मेकअप करके ये है कि सो बैड। आई विल गिव अ 3 out of 10। आई डोंट लाइक दिस। ओके गाइस, तो ये लिपस्टिक इस लुक के साथ काफ़ी वियर्ड जा रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी मेरे पास फिलहाल ये हाथ के पास था तो मैंने इसको उठा के लगा लिया। सो जो लास्ट हैक होने वाला है वो यूजफुल मुझे लग रहा है, बट इस लुक के साथ काफ़ी वियर्ड जाएगा तो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। तो फिर आप मत बताना कि कितना गंदा लग रहा है, नहीं, क्योंकि ये इस लुक के साथ वियर्ड थोड़ा जाएगा, बट आई डोंट थिंक ये हैक उतना भी बुरा होगा। सो लेट्स ट्राई इट। तो हमें चाहिए पहले कंसीलर। कंसीलर गाइज, मैंने सोचा कि वो ब्लू लाइनर के साथ ब्लू आई शेडो के साथ ट्राई किए, तो मैंने सोचा कि अपने इस मेकअप लुक के रिलेटेड ही कुछ ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा ये वाला जो गोल्डन ब्राउन कलर है उसको लगाती हूँ तो अच्छा लगेगा। आप ब्लू लगा सकते हो अगर चाहें तो, बट मैं इसको लगाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिलेटेड दिखता है, बहुत ज़्यादा वियर्ड दिख रही हूँ यार। गाइस, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से लग गया, फिर भी इस लुक के साथ वियर्ड ही लग रहा है। सॉरी, मेरा डॉग सब बार्क कर रहा है, सो इग्नोर दैट। बट ये काफ़ी अच्छे से लगा, आई डोंट नो कैमरा में कैसा लग रहा है, बट हाँ ये काफ़ी अच्छे से लग गया है। एंड इस लुक के साथ अच्छा नहीं लग रहा है जो भी हो, बट स्टिल इट्स अ सक्सेसफुल। आप किसी भी आई शेडो के साथ ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, पिंक हो, ब्राउन हो, गोल्डन हो, ब्लू हो, कुछ भी हो, आप किसी के साथ भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास आईलाइनर ख़त्म हो गया है तो, लेकिन आपको आईलाइनर से लुक चाहिए तो आप वाइट ब्लैक कलर के आई शेडो के साथ इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इस हैक को 10 में से 9 देना पसंद करूँगी। सो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। सारे हैक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थे। मुझे कुछ पर्सनली बहुत अच्छे लगे, आपको कौन सा अच्छा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सॉरी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा। और इसका आगे और भी सीरीज़ देखने के लिए डू हिट मी ऑन इंस्टा।
आप वीडियोस भेज सकते हैं वहाँ पे इफ़ यू वांट. सो या टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.